हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को मिश्रण का क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ। देखिए, मिश्रण का पहला क्वेश्चन दिया है, तो हम मिश्रण पहले सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक तरीका बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, मिश्रण में पहले देखिए, कोई मान लो कोई धातु, कोई वस्तु है ए और कोई वस्तु बी है, ठीक। ए और बी दो वस्तु हैं और इनमें कोई मिश्रण है सी, ठीक। ए और बी कोई वस्तु है, ए कोई वस्तु है और बी अलग अलग वस्तु है, मिश्रण सी है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे, और देखिए ये मान लो सस्ता है, ये सस्ता है, ये महंगा है, ये क्या है, महंगा है। तो क्या करेंगे, सस्ता है तो ये मिश्रण है तो सी में से माइनस ए घटाएंगे, और महंगा है तो बी में से सी घटाएंगे। ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि फिर देखिए, मैं आपको कुछ देता हूँ। जैसे मान लो कि चीनी है 70, चीनी है 30, मान चलो चीनी है 30 और पानी है 40, तो मिश्रण है 37 का, ठीक। तो इनका मिश्रण का अनुपात पूछेगा, तो क्या करेंगे, देखो मिश्रण का अनुपात निकालने के लिए 40 में से 37 घटाएंगे, इधर आएगा तो ये 10, 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा, इधर से 37 में से 30 घटाएंगे तो 7, ये मिश्रण का अनुपात आएगा 3:7। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार द्वारा 60 रुपये प्रति किलोग्राम रुपये तथा रुपये 80 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम। ये मिश्रण दिया है 75 रुपये प्रति किलोग्राम, एक दुकानदार एक एक को दिया 60 रुपये प्रति किलोग्राम और दिया दूसरे को 80 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से। तो यहाँ लिखेंगे शुरू में 60 रुपये प्रति किलोग्राम, यहाँ लिखेंगे 80 रुपये प्रति किलोग्राम, और मिश्रण कितने का है, 75 का, ठीक। तो पूछा है कि दो प्रकार के चावलों में, दो प्रकार का चावल है, इसे अनुपात में मिलाना है, किस अनुपात में मिलाना है। तो देखिए इसको उस प्रकार से जिस तरीके भी बताए हैं ऐसे बनाएंगे, उसके बाद यहाँ ऐसे चित्र बनाएंगे। अब देखिए, ये 80 में से 75 घटाएंगे ना, यहाँ लिखेंगे 80-75, ठीक। ये दोनों सेम नहीं हो सकते, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, लेकिन बीच वाला जो रहेगा मध्य में रहेगा इन दोनों के, ठीक। लेकिन ये कहो कि दोनों छोटा रहेगा, ये नहीं हो सकता, एक बड़ा एक छोटा ये दोनों के बीच में रहेगा। अब देखो ये 75 में सीधे 60 घटाएंगे, तो 75-60 इसको घटाएंगे। देखो 80 में से 75 घटाएंगे तो 5 आएगा अनुपाते, देखो 75 में से 60 घटाएंगे तो 10 में, ये 5 में से 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 7 में से 6 गए 1, ठीक। तो इसे काटेंगे, 5 × 5 5 × 5 15, तो हल इसको सॉल्व करने पे आया 1:3, ठीक, 1:3। तो पूछा था चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 1:3 के अनुपात में, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विक्रेता दो प्रकार के दालों को क्रमशः 10 रुपये प्रति किलोग्राम और 22 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से मिलाता है। 10 रुपये प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलाए कि 22 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ 12 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसमें दो प्रकार के दाल हैं, मान लो एक ए है एक बी, दो प्रकार के दाल हो गए। एक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम ये है, और दूसरा है 22 रुपये प्रति किलोग्राम, और कह रहा है इसको साथ मिलाकर ये 12 रुपये है, तो यहाँ 12 रुपये यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए पहले 22 में से, यहाँ देखिए 22 में से 12 घटाएंगे इधर, और इधर 12 में से 10 घटाएंगे, ठीक। एक बार 12 में से छोटा घटाएंगे, फिर ये बीच वाला बड़ा है लास्ट में इससे घटाएंगे। कभी कभी ये हो सकता है ये छोटा रहे ये बड़ा रहे, और ये बड़ा रहे ये छोटा रहे, तो हम इसी प्रकार से करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, छोटा वाले में से बड़ा वाला घटाएंगे, इस
इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 22 में से 12 घटेगा 2 में, 2 घटेगा 0, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक, ये अनुपात के रूप में है। 10 में से 12 में से 10 घटेगा तो 2, ठीक, तो इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, तो आया, तो देखो इसको सॉल्व करने पाएगा 5:1, 5:1 आया, 5 तो पूछा था तो मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, 12 रुपये प्रति किलो मिश्रण प्राप्त किया जाएगा, तो 5:1 के अनुपात 5 ऑप्शन आया है, आंसर आया है 5:1, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, रुपये 16 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से 39 रुपये प्रति किलोग्राम नमक के रुपये में, नमक में रुपये 28 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य का कितने कीकरा नमक मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को रुपये 29.90 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। तो अभी हम एक सूत्र जानते हैं, ये एस पी बराबर होता है सी पी कोष्टक में 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100। अभी पीछे ये सवाल सूत्र पढ़ के आए हैं, तो हमें देखो 16 रुपये प्रति किलोग्राम से दर से इतना 39.6 किलोग्राम नमक, और 28 रुपये प्रति किलोग्राम में कितने कीग्रा नमक मिलाया जाए ताकि मिश्रण 39 इतने से उधर से बेचने पर 15% का लाभ हो। तो यहाँ हम क्रय मूल्य यहाँ से ज्ञात करेंगे, देखिए और दिया है 29.90 प्रति किलोग्राम बेचने पर, तो यहाँ एस पी दिया है, देखिए यहाँ लिखेंगे 29.90, ये इधर 100 का गुणा हो जाएगा और कितने का 15% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ 115 बराबर सी पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सी पी बराबर निकल के आएगा, देखो यहाँ सी पी बराबर लिखेंगे, देखो सी पी बराबर काटने पर सी पी बराबर आएगा 26, ठीक है, सी पी बराबर 26 आया है, तो पूछा है तो देखो इसको हम इस उस एलिकेशन के रूप में बनाएंगे, देखो 1 और 2, ठीक, एक पहला वाला के मान लो 28 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरा 16 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ 16 लिखेंगे और मिश्रण प्राप्त हुआ है 26, ठीक, ये 26 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए इसको एलिकेशन के रूप में बना देंगे, तो देखो 26 में से 16 घटेगा तो यहाँ 6 में से 6 घटेगा तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक। अब देखिए 28 में से 26 घटेगा तो 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, उसके बाद दिया है, देखो इसको काट सकते हैं 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, तो 1:5, तो 1 बराबर दिया है, देखिए 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 39.9 किलोग्राम नमक है, तो यहाँ 1 बराबर दिया है 39.6, तो पूछा है तो 28 रुपये किलोग्राम वाला कितना, तो 28 में ये 5 का गुणा कर देंगे, ये जो आया है इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 39.6 × 5, तो 5×6 के 0 हासिल लगा 3, 5×9 = 45, 45×3 = 48 हासिल लगा 4, 5×5 = 15, 15×4 = 19, 1 अंक के बाद 198, 198 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूँ 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूँ के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर मिश्रण प्राप्त होता है, तो महंगे वाले गेहूँ का मूल्य कितना होगा। देखिए एक सस्ता गेहूँ है, यहाँ लिखेंगे एक सस्ता एक महंगा, दो प्रकार के गेहूँ है, ठीक है, सस्ता और महंगा, तो सस्ता वाला दिया है 18 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 18 रुपये प्रति किलोग्राम और मिश्रण दोनों को साथ मिलाकर ये मिश्रण दिया है, कितना मिश्रण कितना है तो 20, ये 20 लिख लेंगे। उसके बाद गेहूँ 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूँ के साथ मिलाकर, 2 किलोग्राम तो ये तो कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स, ठीक, इसको ऐसे एलिकेशन रूप में बनाएंगे, देखो ये बड़ा है तो 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स में से 20 घटेगा तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 20, ठीक। अब देखो एक 18 वाला कितने का है,
रुको तो बताते हैं। देखिए कह रहा है कि महंगे वाले गेहूं के मूल्य का प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखिए प्रति किलोग्राम में अगर इधर हम प्रति किलोग्राम एक का गुणा करेंगे तो हमको इधर भी एक का गुणा करना पड़ेगा। एक बराबर दिया है 2 किलोग्राम, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और इसके बराबर दिया है तो 5। ठीक, तो हमें क्या कहना ज्ञात करना है, महंगे वाले गेहूं का प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे x माइनस 20 बराबर 5। तो देखिए x बराबर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 5 25, x का मान 25 आया है। तो क्या कह रहा है, महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, तो 25 रुपये महंगे वाले के x का मान आ जाएगा 25। यही ऑप्शन बी नंबर सही है। ठीक, आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।